लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सिंपल सिंपल फंडामेंटल है. फर्स्ट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, स्पीड इज कॉन्स्टेंट. इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट. आगे सॉल्व करने के लिए क्या यूज करें, काइनेमेटिक इक्वेशन ना. अरे पहला जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें स्पीड कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है. आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेकेंड में हम जब यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो कौन सा इक्वेशन यूज हो, काइनेमेटिक ना. एंड लास्ट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें सिंपल वे में क्या यूज होता है, वी यूज कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यही जानना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, कि कौन सा टाइप का मोशन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. वंस यू नो द टाइप, वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, यू विल बी इजीली एबल टू अप्लाई. सो हमने लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब कर लिया है ना. और जब हमने इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो ग्राफ जब सिखाऊंगा ना तब सिखाऊंगा आपको ग्राफ में कैसे इंटीग्रेशन को यूज करते हैं. समझ आ रहा है क्या, बट आई होप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको क्लियर है, यू नो हाउ टू यूज इट. यस और नो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे चैप्टर में आएगा विद टाइम, जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगा और स्ट्रांग होते जाएगा. आफ्टर दैट हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए. अब नेक्स्ट आपके रूम में हेडिंग देना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Uniformly accelerated motion. Now see uniformly अभी बोला चिल्ला चिल्ला के इसमें acceleration क्या होगा, constant. क्या use करोगे आप, kinematical equation. चलिए kinematical equation जो होता है कितने होता है, तीन ना, यहाँ पे और एक बढ़ जाता है, कितने हो जाते हैं, चार. We use four kinematical equations. अभी सबका ध्यान होना चाहिए board पे. How does it work? How do we proceed with this? Understand the answer. Now talking about we know that acceleration is constant, so we use kinematical equations. अभी देखो ये equations को मैं derive करके ही बताऊंगा आपको, but not right now. We will do the graphs. सबसे इसके तीन चार तरीके होते हैं इसको derive करने के. उनका geometrical method, दूसरा होता है analytical, फिर calculus method भी होता है, integration derivative use करके. और last होता है graphical method. Graphical method is the most easiest one. वो बता दूंगा मैं साथ साथ में इंटीग्रेशन वाला भी बता दूंगा, बट का ग्राफ पे नहीं, एक बार वो समझ जाएगा फिर इंटीग्रेशन समझ जाएगा. सो राइट नाउ वी नो द इक्वेशन फ्रॉम द स्कूल, तो बड़ी बात नहीं है. सो देखो अभी तीन क्या है, चार काइनेमेटिक इक्वेशन है. फर्स्ट इज वी एस यू प्लस एटी, सेकेंड क्या है, एंड थर्ड इज एस इज इक्वल टू और ये तीन इक्वेशन. चौथा देखो अभी कौन सा होगा, व्हाट इज फोर्थ वन, एस ए इज इक्वल यू प्लस ए बाई टू ए टू टू एन माइनस वन. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन.
क्या इंफॉर्मेशन देगा अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। मान लो आपका एक मोशन चल रहा है ऐसा कुछ, अब देयर इज समवन हु इज परफॉर्मिंग द मोशन। मान लो मोशन टोटल टाइम जो था ना मोशन का दैट इज 10 सेकंड एंड दिस पर्सन इज गोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कहना चाहता है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने बार से चेंज होगा, 2 इस और रो। मान लो जब स्टार्ट किया उसने तो उसका वेलोसिटी 2 था, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 4, 2 सेकंड के बाद 6, 3 सेकंड के बाद 8, 4 सेकंड के बाद 10, इस और रो यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। अब देखो हर 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेट होकर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, so during the motion every second if its speed is increasing speed is changing, can I say every second the distance covered by the body or the particle is going to increase na, distance jo cover karega har ek second mein kam hoga zyada hoga, zyada na change hoga na, hello pehle second mein kitne speed se chal raha tha, 2, to dusre second mein 4, teesre second mein 6, chauthe second mein 8, panchve second mein 10, yes or no। जब ऐसा चेंज हो रहा है क्या स्पीड, तो अगर पहले सेकंड में स्पीड 2 था, दूसरे सेकंड में स्पीड 4 है, तीसरे में स्पीड 6 है, तो हर एक सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस भी सेम रहेगा या चेंज होगा, यस और नो, हेलो। सो इन एवरी सेकंड इट इज गोइंग टू कवर द सेम डिस्टेंस और डिफरेंट डिस्टेंस, यस और नो, यही हमको पूछा होता क्वेश्चन। मान लो पूरा मोशन चला है 10 सेकंड के लिए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इन 5th सेकंड एंड 7th सेकंड एंड 9th सेकंड, तो 5th सेकंड, 7th सेकंड, 9th सेकंड इन दिस सेकंड्स द डिस्टेंस कवर्ड बी सेम और डिफरेंट, 5th सेकंड और 7th सेकंड का डिस्टेंस सेम होगा अलग होगा, 90 सेकंड का अलग होगा ना, ये पूछा होता है क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करो कि ये वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस था, ये वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस था, बड़ा ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो कैसे फाइंड आउट करना, मान लो मुझे 7th सेकंड में फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस कवर किया है, हां ना, तो अब सिंपल है, पहले आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट से 7 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड आउट करो, फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट से 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करो, क्या बोलते हो, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 7 सेकंड वाला टोटल टाइम 7 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस टोटल टाइम 6 सेकंड वाला डिस्टेंस, बोलो क्या मिल जाएगा आपको, 7 सेकंड, जैसा हो You're going to get 7th second का distance मिल जाएगा। Clear है ये, सबको समझ में आ रहा है? What is going on? Can I? दिमाग में जा रहा है सबके? This is how it is going to work. Fine, clear, सबको set हो रहा है दिमाग में? What is going on here? So उसका formula देखो अभी ये Yes, the distance of 7th second minus distance of 6th second ये जब करते हो ना, distance of n plus 1 minus distance of n ना, इसमें n क्या है 6 है, n plus 1 क्या है 7 ना, तो आपको मिलता है, तो देखो यही फॉर्मूला है, मतलब जब मैं इसका ओवरऑल डेरिवेशन कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिलता है। चलो कितना क्लियर है, हेलो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। चलो फाइन, क्लियर, हेलो। तो देखो ये जो एस एन होता है ना, एस एन दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ सेकंड, 7, 5, 6, हाँ क्लियर है चारों फॉर्मूला। चलो फटाफट अभी क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला लिखो फास्ट, फटाफट लिखना है फॉर्मूला, डू सम डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन।
डन। चलो क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट वाला, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड। टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर, टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. This is called the reaction time of driver. This is called reaction time of the driver. If his driving car at a speed of 54 kilometer per hour, car at a speed of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and the brakes cause a retardation of, and the brakes cause a retardation of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car. After he sees the need to put the brakes. चलो क्लियर है। बोलो अभी, चलो सॉल्व करेगा फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी गिव मी 2 मिनट्स, देखते क्लिक होता है क्या। Thank you.
आगे आंसर वो ज़्यादा गलत है। चलो आ जाओ यहाँ धीरे धीरे थोड़ा टाइम कम करेंगे अप्लाई करते हैं। ये देखो इसको आ रहा है रॉन्ग साथ में आया रहेगा ना साथ में नहीं आया रॉन्ग आया। चलो अभी देखते सबसे पहले तो व्हाट इज रिएक्शन टाइम एनीवन क्या हो गया इसको बैटरी लो हो गया इसका चलो ध्यान देना यहाँ पे पका। चलो अभी आप सब लोग को साइन कन्वेंशन याद है ना असली यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अराउंड वन डायरेक्शन मोशन इन वन डायरेक्शन सो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड सब कैसा रहेगा सेम बताया था ना ये जब भी एक ही पाथ का लोग बॉडी होता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है सेम स्पीड और वेलोसिटी कैसा होता है सेम एवरेज टू एवरेज वेलोसिटी है ना। अरे व्हाट इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हाट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना तो अगर अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी कैसा होगा सेम सब कुछ सेम है इधर मैंने आपको भी साइन कन्वेंशन बताया था। एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव द एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉजिंग इंक्रीज इन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉजिंग डिक्रीज इन स्पीड इज ऑलवेज नेगेटिव यस और नो क्लियर है ये एंड फिर साइन कन्वेंशन तो हमारे पास है ही राइट में गया तो प्लस लेफ्ट में गया तो माइनस ऊपर गया तो प्लस नीचे गया तो माइनस सुना है आपने सब याद है ना आपको। अभी वो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपने रिएक्ट किया इसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी ने तरफ बॉल थ्रो किया यहां पे ध्यान से लो समवन थ्रोस अ बॉल टुवर्ड्स मी आई सी द बॉल एंड आई रिएक्ट टू कैच इट तो देख के समझ के हाथ उठाने में और बॉल कैच करने में आई टुक 0.5 सेकंड कितना लगा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने देखा ऑब्जर्व किया मेरा हाथ उठाया फिर बॉल आके कैच हो गई तो दिस इज माय रिएक्शन ना फॉर दिस रिएक्शन आई एम टेकिंग 0.5 सेकंड कैच करने के पहले का टाइम कैच करने के मैंने कितने टाइम में रिएक्ट किया यस और नो समझा और रिएक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट जीरो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम यस और नो। तो यहां पे रिएक्शन टाइम बोला है 0.2 सेकेंड तो रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड इसका मतलब ये है कि 0.2 सेकेंड के लिए ना जो ड्राइवर वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको और फिर 0.2 सेकेंड में उसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया है ना तो 0.2 सेकेंड इज द टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन इज द टाइम फॉर विच ही सीज क्या करना है मुझे रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है कि आप कुछ ना कुछ करते नहीं हो आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो 0.2 सेकंड में सिर्फ देखेगा ना फिर रिएक्ट करेगा है ना। बोलो जब वो देखेगा वो 0.2 सेकंड के लिए तभी उसने ब्रेक अप्लाई किया है नहीं ना हेलो अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सो व्हेन आई से रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकंड इट मींस व्हाट ऑब्जर्वेशन टाइम ना कि 0.2 सेकंड में उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ करना चाहिए मुझे और फिर ब्रेक अप्लाई किया है ना तो फॉर दैट 0.2 सेकंड ही इज गिविंग सम एक्शन ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व कर रहा है मतलब उसे ब्रेक अप्लाई किया है मतलब कि उसे रिटार्डेशन अप्लाई किया नहीं करने वाला है ना तो वो 0.2 सेकंड के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो कहने से 0.2 सेकंड के लिए रिटार्डेशन आया नहीं है तो 0.2 सेकंड से अगर रिटार्डेशन अप्लाई नहीं किया है तो वो 0.2 सेकंड के लिए जो कार है कार वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी ना यस और नो It will move with constant speed.
और फिर 0.2 सेकंड में क्या अप्लाई किया? ब्रेक, और फिर एक डिस्टेंस पे कार रोल, ऐसा और सो रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर वो ऑब्जर्व करता है कुछ करता नहीं है ना। तो बोलो फॉर दैट 0.2 सेकंड देखो ऐसा, यहाँ पर अगर ये रोड है और ये कार है ऐसी, तो कोई बैठा है ऐसा है ना, तो स्टेरिंग है भाई, स्टेरिंग उल्टा हो गया ऐसा है बराबर है, और यहाँ पे ब्रेक है ऐसा बराबर है। तो अभी यहाँ पे कोई खड़ा है ऐसा जान दे रहे मार लो मार सांगी रहे मार खराब हो चुकी है अपना ये गाड़ी बढ़ती है बराबर ना। तो ये कार वाला अच्छा देखा है इसको कितने टाइम के बाद से ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया 0.2 तो ऑब्जर्व में चला गया ना यस और नो। तो 0.2 सेकंड में ऑब्जर्व किया था, ऐसा थोड़ी है कि 0.2 सेकंड में कार रुक जाएगा, चलेगा ना आगे थोड़ा, तो थोड़ा आगे चला मान लो यहाँ तक चला आया ना। तो ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया बोलो, इसके लिए उसने ब्रेक अप्लाई किया है क्या? नो। तो इसके लिए मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म ना, देयर इज नो एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या यूज करोगे? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर ब्रेक अप्लाई किया ना यहाँ से, फिर यहाँ पे आके मान लो ये यहाँ पर है थोड़ा दूर चला गया, फिर यहाँ पे आके ऐसा ब्रेक मारा यस और नो, बाद में गाली दिया फिर यहाँ आते गए चलने नहीं आता ऐसा कैसे बराबर ना। ओंकारो को गाली टप्पा करके वापस दी गई हाथ मार गया ऐसा नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या बोलता है नहीं। तो अभी ये यहाँ पे आया तो बोलो इतना डिस्टेंस कवर किया ना, इतने पार्ट के लिए मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। इसके लिए कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि गाड़ी का स्पीड बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं कि कम करने का? कम करने का। आप वो तो बढ़ा दो ले लपेट के निकल जाओ ऐसा और क्या आ जाओ साथ में क्या करोगे जी के बराबर ना। तो मन में तो ये चल रहा है आप ही आ जाओ सामने तो अच्छा है आधा टेंशन जाए नहीं पक्का। तो जो और प्लान है कैसे ले भेजने ऊपर गाड़ी वाड़ी ये सब बहुत आसान मौत है सर हमको तो पहले लटका ही उल्टा 100 दिन के लिए बिल्डिंग के ऊपर फिर कितना खुश हो रहा देख फूल फूल के हंसा दांत फाड़ के अरे मजाक कर रहा हूँ भाई आप तो सीरियस आपको किलर विलर नहीं समझ लिया मैंने अच्छा देख लिया मैंने मैं क्यों मारूंगी चलो ठीक है एक्सेलरेशन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये देखो अरे गाड़ी बढ़ाना है कि रुकाना है तो मैंने वही इंटेंशन का बात किया ना पॉजिटिव तो बढ़ाना है ना तो मारने ही चाहती थी ना और लपेट के निकल जाओ हाँ टेंशन रिएक्शन रिएक्शन जो आ रहा है देखे जाओ एक्सेलरेशन नेगेटिव टू पॉजिटिव गाड़ी को बढ़ाना है कि रुकाना है समझा रुकाना है बचाना है समझा रहे थे फिर बाहर निकल के जितना गाड़ी देना है लोग समझ नहीं आता है क्या मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए अभी निकल जाता ऊपर चलो अभी ध्यान दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट था फॉर ये कौन सा टाइम है रिएक्शन टाइम ना बोलो मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है बोलो मोशन अगर यूनिफॉर्म है बाहर वालों को भी याद हो गया उल्टी वल्टी बोलती आ गई यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम तो याद है हाँ मोशन कैसा है यूनिफॉर्म कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो क्या चाहिए हमको डिस्टेंस ना बोलो स्पीड कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आर ना ये बोलो ना यार इनटू 5/80 बोलो 1 3 बोलो कितना होगा क्या बोलते हो तो बोलो अभी डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ना बोलो स्पीड कितना है 15 टाइम कितना है
3 मीटर, ये हो गया पहला डिस्टेंस। क्या बोलते हो इसके बाद क्या मारा? ब्रेक, एक्सेलरेटर, ब्रेक। तो बोला एक्सेलरेशन कैसे है? नेगेटिव ना, हेलो, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमको क्या चाहिए बोलो? फाइनल स्पीड क्या होगा? जीरो ना। क्यों फाइनल स्पीड जीरो? तुझे रुक गया, इनिशियल स्पीड कितना है? 15 ना, जिससे वो चल रहा है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल डिस्टेंस। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अभी ये कौन सा मोशन है? इट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का वैल्यू मोशन मतलब 6 है तो 6 ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। ये सॉल्व हो तो चलो अभी हमारा फॉर्मूला क्या होगा? v2 = ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यार। बोलो v कितना है? 0। u कितना है? 15 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ना ये a2s। तो बोलो s क्या होगा? 225/12। क्या बोलते हो? सही है। बोलो 225/12, 12 का डबल कितना? 240 ना, 24 है, सॉल्व हो तो 20 आता। ये काम है उससे तो 18.7 कुछ आएगा। क्या बोलते हो? ये सीक्वेंस थोड़ा एप्रोक्सीमेशन, घड़ी घड़ी ये सब करने का जरूरत नहीं है। 12 2 20 का ऐसा स्कूल का एग्जाम नहीं चल रहा है, थोड़ा शादी साल में थोड़ा रॉन्ग होगा, बाद में हो जाएगा, तो सब चालू हो जाता है ऐसा। कोई ग्रीन पेन से इधर वन इधर ऐसा होते रहा तो हो गया। एक ही क्वेश्चन समझ आ रही है? तो लर्न एप्रोक्सीमेशन। बोलो अभी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? s1 + s3 + कितना आएगा? 21.7। दिस इज द आंसर। हेलो, समझा क्या? के गया उड़ा, समझ आ रही है? चलो फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है पहला क्वेश्चन? अभी सब ठीक है? बदल बदल में बुखार आ जाता है ना, खांसी हो जाती है। तू सही है? ओ फूल, तो शेर वेव करके आया छोकरा। बड़ा ना चिकना घूम के इसको मिलने जा रहा है। शर्माना है नहीं। लाते था तो शेर को कभी घूम रहे लगाए चलो पता नहीं रहा है कि नहीं पार तो आया ही जाते कुछ नहीं। हो गया ये? जल्दी जल्दी लिखो यार, स्पीड बढ़ा आप लोग का। एक कलर का बहुत टेंशन है यार, रेड कलर ब्लू कलर है, हाथों में कलर समा नहीं रहे, इतना सब कर लिए। पेंसिल भी अच्छा,
वो कौन सा कलर है दूसरा? ब्लैक भी है। किसके पास वो कलर सेट? किसके पास इधर होगा? खोल जाओ लड़कों से तो उम्मीद ही नहीं है। अरे कलर सेट है ना, 10-12 कलर का पूछो। लड़कों के पास है एक पेन, वो वही बात है, वो भी किसी और के नाम की है। तेरी है खरीदा था रिफिल खत्म होने आई यार, किसी की तो पेन जाने वाली है ना? कर गया कलर लाया, किसी और की तरह कर रहा है। लड़कों का स्टेशनरी का जरा खर्चा नहीं है, पूरा पूरा साल एक चीज चला देते। लड़कियों का बहुत रहता है, पाउच कलर ये वो। लड़कों के अंदर बैग के अंदर हाथ डाल दो साल पहले की आज मिली चला लो, जब ढूंढ रहा था उसको रह दिया नहीं, वो भी रहेगी बाद में निकल पड़ा। इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर पा रहा सर, इतना ढूंढेगा बैग के अंदर हाथ जाता है कभी चिंगाड़ चूहा। स्कूल में होता था कि सब बुक एक ही बैग में है ना लेके जा रहे, टीचर बोल रही है बुक निकालो, अरे यार किधर ढूंढू, अंदर जाना पड़ेगा। वो तो टाइम टेबल भी बनाओ क्या है सब बुक लेके, और टाइम टेबल सेट करे अलग का एक ही बुक। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो मस्त क्वेश्चन है, ये 100 मीटर स्प्रिंटर स्प्रिंटर भागने वाली, वापस वही दिख रहा है स्प्रिंटर रे रे रनर SPARINTER स्प्रिंटर हो गया वो जो मराठी में निकला है स्प्रिंटर ला सांग है घबरा जाते रे लोग। 100 मीटर स्प्रिंटर रनर SPRINTER स्प्रिंटर का स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड, उड़ाने वाले में आदमी को रखा है भागने वाले में लड़की को रखा है, देख रहा है डिस्क्रिमिनेशन। मैंने क्वेश्चन में ही था और जब भागने के टाइम तो शी अच्छा काम लड़की है और उड़ाने का काम लड़कों का, सही है ना? हर जगह यही चल रहा है। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट, increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square uniformly at the rate of 1 meter per second square likha up to 3/4 of the total run, up to 3/4 up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed, how much time does she take to cover the first half and the second half of the run? How much time does she take to cover the first half and second half of the run? Chalo, idhar dekhe sab log, ye question saath mein karte hain, mast question dekho ye. Question number 2 dekho idhar, oh wala. Abhi ek sprinter hai, jo ek race mein bhag rahi hai na,
कितने मीटर का रेशा है? 100 मीटर। भागे हो कभी? ओके, देयर इज 100 मीटर स्प्रिंट गोइंग ऑन। अभी इनिशियली उसने कहां से स्टार्ट किया? रेस्ट से ना। टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन से? 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड ना फ्रॉम रेस्ट। तो मान लो ट्रैक है 100 मीटर का, ऐसा दिस इज 100 मीटर ट्रैक हियर। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। क्लियर है ये? दिस इज 100 मीटर। वो कहां से स्टार्ट करेगी? रेस्ट। दस और तो बट ऑफ ऐसा रेस तो रेस्ट से शुरू हो गया, घर पर थोड़ी भागते भागते आएगा इंसान, घर पे भागते भागते आया रेस वहां से चालू। अपना भागने से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ लास्ट कब भागा था बोल। इनिशियल स्पीड कितना है? 0। किधर है? रेस्ट पे। अभी 100 मीटर स्प्रिंट करना है तो ऐसा बोल रहा है केटस द रनर इज इंक्रीजिंग अ स्पीड एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। पर क्या दिया? एक्सेलरेशन ना, और स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव? सो वी से दैट एक्सेलरेशन इज प्लस 1 मीटर पर सेकंड। क्या बोलते हो? अभी देखो हो क्या रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये पूरे मोशन के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज वैलिड अप टू 3/4। बोलो 100 मीटर 1/4 कितना होगा? 25। तो 3/4 कितना होगा? तो अप टू 75 मीटर, अप टू 75 मीटर मान लो यहां, दिस इज 75 मीटर। Like this, 75 मीटर के लिए वो रन कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, पर 75 मीटर के लिए जो मोशन है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? After 75 meter, for the next 25 meter, वो परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म मोशन। क्या परफॉर्म कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? हेलो, आर यू गेटिंग दिस? सो इधर के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इधर के लिए यूनिफॉर्म। सही है? इतना क्लियर है? अभी हमको ये बोला है कि हाउ मच टाइम डस शी टेक फॉर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। हाफ कितना होगा? 50 मीटर ना। तो मान लो ये फर्स्ट हाफ है उसका, यहां पे दिस इज फर्स्ट हाफ, फिफ्टी मीटर। सही है? वो ना भाग भाग के थक जाएगी वो। देखे जा रहे हो बस। एंड दिस इज द सेकेंड हाफ 50 मीटर ना। हेलो, सही है? अभी हमको फर्स्ट हाफ का टाइम कितना है, सेकंड हाफ का टाइम कितना है फाइंड आउट करना। डायग्राम समझा? क्या हो रहा है वो समझा? दिमाग में घुसा कुछ? हाँ, कैसे भाग रही है, क्या भाग रही है, समझ में आ रहा है? तो और 2-3 बार भगाना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन में जगह देखोगे ये 50 मीटर के लिए। बोलो पूरे 50 मीटर का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना।
मोशन कैसा है यूनिफॉर्मली? क्या बोलते हो भाई, समझ में आ रहा है? उसका एक्सेलरेशन कितना है? 1। इनिशियल स्पीड कितना है? 0। हमको टाइम फाइंड आउट करना है ना, डिस्टेंस कितना है? हाँ, भागते हुए देख रहे हैं उसको। कितना है डिस्टेंस? फर्स्ट हाफ ना, क्या मिल जाएगा? टाइम मिलेगा? बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है, ए वन है, यू जीरो है, एस 50 है, कौन सा फॉर्मूला? जोर से बोलो ना। बोलो यू जीरो कितना होगा? 50। जीरो हाफ, ए कितना है? ए 1। टी का वैल्यू नहीं, बोलो टी स्क्वायर कितना होगा? 100। टी का वैल्यू कितना आएगा? यह है टी 1। क्या मिल गया मुझे? सही है क्या? इसका टाइम मिल गया फर्स्ट हाफ का कितना है? 10 सेकंड। और मुझे सेकंड पार्ट का टाइम फाइंड आउट करना है, और देखो इधर खत्म नहीं हो रहा है, अभी सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते। पार्ट टू में थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा और देख लें यहां पे। पार्ट टू में बोलो 25 मीटर के लिए उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। और नेक्स्ट 25 मीटर के लिए कैसा है? यूनिफॉर्म। हाय राम, यस और नो? सो फॉर द फर्स्ट 25 मीटर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, फॉर द नेक्स्ट 25 मीटर यूनिफॉर्म मोशन। हाय राम, यस। चलो इधर जीरो से स्टार्ट किया था, अभी इसकी बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसको कितना टाइम लग रहा है। तो अभी मेरे पास इसका बोलो, देखो जब यहाँ पे आएगा, अब मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ से देखूंगा तो यहाँ उसका स्पीड कितना होगा? इनिशियल ना, और यहाँ उसका स्पीड कितना होगा? फाइनल ना। हेलो, बट यहाँ का स्पीड मुझे नहीं पता ना। कैन आई से यहाँ पे जीरो था, एक्सेलरेटेड मोशन है, कैन आई से यहाँ पे आने का उसका कितना स्पीड होगा? तो फर्स्ट हाफ का जो फाइनल स्पीड होगा वो सेकेंड हाफ के ये पार्ट का क्या होगा? इनिशियल स्पीड ना। नहीं समझा? हेलो, अरे वो जीरो से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट किया, भागी 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 यहाँ पे आई, बोले यहाँ पे कुछ ना स्पीड होगा ना उसका। और 50 मीटर के लिए अगर इनिशियल स्पीड तो ये कैसा होगा? फाइनल। तो फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल स्पीड होगा वो सेकेंड पार्ट के स्टार्ट का क्या होगा? इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पे इसका फाइनल स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। बोलो बी नहीं पता, यू जीरो है, ए कितना है? 1। टाइम कितना है? 10। व्हाट डू आई गेट बी एज? 10 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? एंड दिस फाइनल स्पीड बिकम्स इनिशियल स्पीड फॉर पार्ट टू का फर्स्ट पार्ट। है ना? यस, ये आ रहा है इधर इधर इधर, सही है? यस भाई, बोलो अभी वो कितना है? ये पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर करी? 25 ना। व्हाट इज एस? उसका एक्सेलरेशन कितना है? क्या ऐसा व्हाट कैन आई अप्लाई? सेम फॉर्मूला ना, एस इज इक्वल टू यू पी प्लस व्हाट? सही है। हेलो, बोलो एस कितना है? 25। यू कितना है? व्हाट इज ए? 1। टी स्क्वायर ना। अभी इक्वेशन इक्वेशन में नहीं जाते, रुक जाओ, इससे अच्छा कुछ और यूज कर देते हैं और सिंपल कर देते हैं। चलो कह रहा इसे इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए कितना है इधर? ये इसके लिए ऐसा, ये 25 मीटर के लिए। हेलो, बोलो ये 25 मीटर के लिए इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 10 ना। फाइनल स्पीड मुझे नहीं पता, फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं? तो चलो फाइनल स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। बोलो क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, बोलो बी क्या होगा? 10 प्लस, या तो आई हैव द डिस्टेंस ना, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर क्या होगा? बोलो ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 2 इज व्हाट इज ए? 1। डिस्टेंस कितना है? 25। सही है। तो भी कितना आएगा? रूट ऑफ 150।
रूट ऑफ 144 क्या होता है 12 ना yes. ये 158 12 से थोड़ा ज्यादा तो ये आएगा 12.2 12.25 ऐसा बराबर है तो बोलो v यहां पे स्पीड यहां पे स्पीड यहां पे स्पीड एट दिस पोजीशन सही है हेलो अब मुझे इसके लिए टाइम फाइंड आउट करना टाइम सो व्हाट कैन आई यूज v is equal to u plus तो बोलो व्हाट विल बी v 12.2 व्हाट विल बी u 10 प्लस 1 इनटू t ना बोलो t कितना आएगा 2.2 सेकंड यस और नो ये t2 है क्या है ये क्लियर है ये तो अभी तो मुझे इसका ही मिला है बोलो अभी लास्ट पार्ट में ये वाले पार्ट में लास्ट पार्ट बोले यहां पे मोशन कैसा यूनिफॉर्म ना बोले अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो थ्रू आउट दिस मोशन स्पीड कैसा रहेगा क्वेश्चन ना और बोलो इसका जो फाइनल स्पीड होगा वही यहीं पे थ्रू आउट द स्पीड होगा ना yes. so, बोले यहां पे स्पीड कितना होगा ये मुझे भी इसका टाइम फाइंड आउट करना बोलो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बोलो डिस्टेंस कितना है कितना होगा टाइम ये वो 12.5 होता था 2 आता ना 2 से थोड़ा ऊपर 2.2 आया अभी सेकंड आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा T2 प्लस T3 बोले कितना है क्लियर है हेलो तो फर्स्ट हाफ को खत्म करने के लिए उसको इतना लगा 10 सेकंड सेकंड हाफ के लिए टोटल टाइम कितना होगा 14.4 ना नहीं जी देख लीजिए 14 पर बहुत ज्यादा टाइम होगा ओलंपिक मेडलिस्ट जो होते हैं उनका टाइम होता है 11-12 सेकंड उसमें 100 मीटर का रेस खत्म हो जाता है 14 हो गया मेल में तो 9-10 सेकंड में निपटा देते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बताइए कि नहीं कितने का 9.48 नियर 9.58 करना है और 200 मीटर का 19.19 इसका है वो भी नहीं पता उनसे दुनिया में जीते हैं इस्लाम पुर के मेरे में कौन जितना मालूम है हुसैन बोल्ट पता है कि नहीं चलो लिखो पूछ लो ये लिख के चलो तो ये बाद में लिखो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ बाद में तुम फोटो वोटो लेके पूछ रहा हूँ और एक क्वेश्चन कर ले तो मुझे यहाँ लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन हियर ये भी लिखो एक मस्त क्वेश्चन और एक चलो लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चन सेज अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड बराबर है to a velocity of 20 meter per second it then runs at a constant speed and is finally brought to rest and is finally brought to rest in 40 meter and is finally brought to rest
in 40 meter with a constant acceleration. With a constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Total distance covered is 640 meter. क्या है ये गाड़ी निकल गया अभी किधर लिखा है इधर उधर झांकने में रह जाता है एंड इट्स फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कॉमा रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम बंद हो गया क्या हो रहा है हाँ भाई हाँ कर देगा तेरे को चार्ज रिकॉर्ड हो रहा है चलो आगे लिखा ये फाइंड द एक्सेलरेशन कॉमा रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम यस और नो चलो इधर देखो ये भी मस्त क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 3 है अभी ऐसा कुछ तो रोड है इधर ऐसा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 640 मीटर ना तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 640 मीटर ऐसा समझ आ रहा है इधर ध्यान दो भाई पेट्रोल महंगा है बार बार थोड़ी गाड़ी चलाता रहेगा इंसान इधर कौन है गाड़ी वाला है ना बोल ना शर्मा क्या है उसने तो भी क्या है गाड़ी में तेरे गाड़ी है ऐसा गाड़ी वाली ड्राइंग तो ड्राइंग नहीं चल रहा है जो बायोलॉजी क्या चीज बना के देखना पड़े समझ में आ रहा है अच्छा गाड़ी तो ले लो अच्छा गाड़ी ले लो क्या चाहिए ले लो ये गाड़ी गाड़ी लो चलाओ हमने चलो स्टेयरिंग मिल गया खड़ा है कोई सीट नहीं है अभी गाड़ी है दस ठीक है कितना डिस्टेंस कवर किया है 640 मीटर ध्यान देना यार बहुत मेहनत करा सामने आ रहे गाड़ी वाले आगे पता है तुमको ध्यान देता है दोनों का इधर देखो 640 मीटर का डिस्टेंस है उसने कहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट यू क्या है जी और अभी वो 10 सेकंड के लिए उसे चलाया एक्सेलरेट करके और उसे स्पीड कितना अचीव किया 20 मीटर देखो पार्ट वन तीन पार्ट का क्वेश्चन है पार्ट वन में यू का वैल्यू 0 है कितने टाइम के लिए चला 10 सेकंड्स और उसने स्पीड अचीव किया फाइनल स्पीड अचीव किया 20 मीटर पर सेकंड हाँ तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट्स द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा ना है ना मैं तो बोला है क्या क्वेश्चन में कि ये इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नो तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा कैसा आएगा कांस्टेंट बोलो वी कितना है 20 यू कितना है 0 ए नहीं पता टाइम कितना है 10 तो ए का वैल्यू कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड इसलिए पहला आंसर मिल गया यस और नो चलो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो कौन सा फॉर्मूला ut प्लस u क्या होगा 0 हाफ इन टू व्हाट इज ए 2 व्हाट इज टी टी दिया है क्या s कितना है तो ये 10 सेकंड उससे कितना डिस्टेंस कवर किया 100 बराबर है ये गाड़ी इधर पहुंच गई
इधर क्लियर है 100 मीटर सही है, इधर पहुंच चुकी है, देख रहा है ना, बड़ा ध्यान है तेरा गाइस में। दिस इज आवर डिस्टेंस 100 मीटर सही है ये। अब देखो यहां पे आके ना, यहां पे आके इफ यू रीड द क्वेश्चन आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस ये फर्स्ट ऑर्डर के बाद देन द कार मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ना। yes. तो देखो यहां पे यू जीरो है, बोला यहां पे स्पीड कितना है, अभी ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मोशन उसे कैसे किया यूनिफॉर्मली ना। yes. यूनिफॉर्मली किया इसका मतलब क्या है कि स्पीड 20 है तो 20 रहेगा ना। yes. जब तक अभी वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन करेगा, है ना, दैट इज कांस्टेंट स्पीड, द एक्सेलरेशन इज जीरो, इसको आप क्या कहोगे यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और बोलो अभी फिर उसके बाद उसे रिटार्डेशन किया, क्या किया है बट देखो ऐसा बोला हुआ है तो उसने रिटार्डेशन लास्ट 40 मीटर में किया है। तो देखो ये लास्ट 40 मीटर इधर होगा ना ऐसा, समझ आ रहा है, बोले लास्ट 40 मीटर में उसने क्या किया है रिटार्डेशन, मतलब फिर से क्या अप्लाई किया एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो देखो 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 इतने पार्ट में एक्सेलरेशन है पर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना। इतने पार्ट में भी एक्सेलरेशन है नेगेटिव बट वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये भी कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बट इतने पार्ट ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये कौन सा है यूनिफॉर्म। और बोलो ये वाला डिस्टेंस 100, ये वाला डिस्टेंस 40, ये वाला कितना होगा 500, ये सॉल्व। और बोलो इसके लिए मोशन कैसा है, बोलो ना भाई। और थ्रू आउट ये 500 मीटर जो उसका स्पीड 20 है तो कितना रहेगा 20, अरे बोलो बोलो यहाँ पे पहुंचने के बाद कितना रहेगा, नहीं समझा कि तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना रहा है ना। तो ये 500 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 से शुरू करेगा, 20 पे खत्म करेगा, बिकॉज ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म द स्पीड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, यस और नो, क्लियर है ये। अभी पार्ट टू देखो, पार्ट टू, हाँ हाँ कम पकवा सड़िया जो था धूप मरे में तो चुल्लू और पानी नहीं रहे, बोले मोशन कैसा है यूनिफॉर्म, बोले यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कंटिन्यू बोला लूंगा मैं कौन सा फॉर्मूला, सर ये लेके जा बोले टाइम फाइंड आउट करना है हमको, इधर टाइम कितना, ये T1 ले लो, ये T2 होगा, बोलो कितना होगा डिस्टेंस, कितना है 500, टाइम कितना है, टाइम फाइंड आउट करो भाई, स्पीड कितना है 20, हां बोलो कितना हो जाएगा 25, क्या बोलते हो, चलो अभी टाइम मिल गया इसका, अभी लास्ट में इसका टाइम फाइंड आउट करना है ना। I am moving on to part 3. बोलो part 3 में फिर से क्या हो जाएगा? Uniformly accelerating. बोलो इसका initial speed कितना है? 20. ये जो यहाँ पे speed है initial ना? Yes. बोलो car को रोक दिया ना उसने? तो final speed क्या होगा? तो v dash को लेता हूँ मैं final speed. है ना? तो v dash क्या है? और v क्या है? 20. Initial. Yes or no? डिस्टेंस कितना कवर किया है 40, मुझे क्या चाहिए एक्सेलरेशन ना, नेगेटिव वाला, तो देखो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v कितना है, v ये हो जाएगा v डैश, यस और नो, ये हो जाएगा v स्क्वायर 2a, समझा रहा है ये। अरे व्हाट इज फाइनल v डैश, व्हाट इज इनिशियल v, वही लिखा है ना। तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 20, डिस्टेंस कितना है 40, देखो इसको सॉल्व करने पे आपका ए आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, हेलो एक्सेलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको क्या कहेंगे रिटार्डेशन ना, तो ये क्या है रिटार्डेशन। खत्म नहीं हुआ है, लास्ट का टाइम फाइंड आउट करना है,
तो बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, बी सही है। बोलो फाइनल स्पीड कितना है, जीरो। इनिशियल स्पीड कितना है, 20। माइनस ये कितना है, टी, सॉरी यहाँ फाइव, ये कितना है टी। बोलो टी कितना आएगा, 4 सेकंड है ना। ये क्या होगा, टी थ्री क्या हो जाएगा, तो बोलो टोटल टाइम कितना होगा, 10 + 25 + 4। बोलो टी कितना आएगा, सब मैं पूछू, सब मैं बताओ, कितना आएगा टाइम, 39 सेकंड। फोटो ले लो, मैं ले लेता हूँ, रुक जाओ मैं भेजता हूँ आपके ग्रुप पे।